स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पोएट्री का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है द 7 एजेज ऑफ मैन, और जिसके राइटर हैं विलियम शेक्सपियर, और यह क्लास 9 यूपी बोर्ड के सिलेबस में है और साथ ही साथ सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में भी है। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, और एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों से अपेक्षा करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ख़राब लगे तो डिसलाइक करें, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप वीडियो में क्या कुछ चाहते हैं। ऑल द वर्ल्ड्स इज ए स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वीमेन मेयरली प्लेयर्स, दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड एंट्रेंस, एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मेनी पार्ट्स, हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेज। शेक्सपियर या कवि का कहना है कि ये जो संसार है वह एक रंगमंच के समान है, या संसार एक रंगमंच ही है, या संसार एक रंगमंच ही है, एंड ऑल द मेन एंड वीमेन मेयरली प्लेयर्स, और सभी स्त्री पुरुष केवल और केवल इस रंगमंच पे जो भूमिका उनको दी गई है उसको निभाने वाले किरदार हैं। रंगमंच पे कोई नाटक, कोई कहानी दिखाई जाती है जिसमें कलाकार होते हैं, उसी तरह से यह जो संसार है यह एक रंगमंच है, और इस संसार का प्रत्येक स्त्री पुरुष रंगमंच का एक कलाकार है। दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड एंट्रेंस, जिस तरह से किसी नाटक में कलाकार की अपनी एक आने का समय होता है, एक समय में कलाकार आता है, अपनी भूमिका निभाता है और चला जाता है, संसार में भी ऐसे ही लोग आते हैं, अपनी भूमिका को निभाते हैं और चले जाते हैं। एग्जिस्ट में आना और इंट्रेंस में जाना। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स, और एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन में कई प्रकार की भूमिका को निभाता है। प्राय मूवी में या नाटक में हम देखते हैं कि कोई कलाकार या तो बूढ़े की भूमिका में रहेगा, या कोई बच्चे की भूमिका में रहेगा, या कोई जवान की भूमिका में रहेगा। कभी कभी बच्चा जवान होते हुए भी दिखाया जाता है, पर यह जो रंगमंच है, दुनिया रूपी रंगमंच, इसमें प्रत्येक स्त्री पुरुष का बहुत सा किरदार होता है। हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेज, और उसकी जो भूमिका होती है उसके 7 रूप हैं। 7 रूप से कवि का अभिप्राय है कि जो जीवन होता है उसमें कुल 7 अवस्थाएं होती हैं। अलग अलग अवस्थाओं में व्यक्ति अलग अलग तरह की भूमिका निभाता है। एट फर्स्ट द इन्फेंट म्यूलिंग एंड पकिंग इन द नर्स आर, जो पहली भूमिका होती है किसी भी इंसान की वो होती है बच्चे की भूमिका। इस भूमिका में बच्चा नर्स की या परिचारिका की बाहों में सिसकता है, म्यूलिंग में सिसकना, और उल्टी करता है, पकिंग मीन्स उल्टी करना। देन द वाइनिंग स्कूल बॉय विथ हिज सैचेल एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रिपिंग लाइक स्नेल, और इसके बाद पाठशाला जाने वाला एक सिसकता हुआ बच्चा होता है, सिसकता हुआ लड़का होता है, इसके साथ एक छोटा सा झोला या बस्ता भी होता है। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस का मतलब है कि सुबह सुबह बच्चे का चेहरा चमक रहा होता है, सुबह के समय चेहरे पे चमक होती ही है, और बच्चे के चेहरे पे कुछ ज़्यादा ही चमक होती है। क्रीपिंग लाइक स्नेल अनविलिंग टू स्कूल, और वह स्नेल की तरह, घोंघे की तरह सरकता है धीरे धीरे स्कूल की तरफ अनिच्छा के साथ। अनविलिंगली मतलब अनिच्छा, तो
जब शुरू शुरू में कोई लड़का स्कूल जाना शुरू करता है तो उसकी इच्छा स्कूल जाने की नहीं होती है, और वो बिल्कुल अनिच्छा से धीरे धीरे स्कूल की तरफ, पाठशाला की तरफ जाता है। एंड देन द लवर्स साइंग लाइक फर्नेस विथ ए अवफुल बैलेट मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो। और इसके बाद फिर वो एक प्रेमी की भूमिका में आ जाता है, साइंग लाइक फर्नेस। साइंग मतलब होता है कराहना, और फर्नेस मतलब होता है भट्टी। तो जब वो प्रेमिका में, जब वो प्रेमी की भूमिका में होता है तो भट्टी से जैसी एक आवाज़ निकलती है, उस आवाज़ जैसा वो कराहता रहता है। विथ ए अवफुल बैलेट मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो। और अवफुल बैलेट, अवफुल बैलेट का मतलब है एक गीत, बैलेट मतलब गीत होता है, और अवफुल मतलब दुखी। तो इस समय वो एक काफ़ी दुखी भी रहता है, और दुखी दुखी एक शोक गीत, एक शोक गीत गाता है। और यह जो गीत उसके दिल में या दिमाग में या जुबान पे आता है, वह उसकी प्रेमिका की भौहों को देखकर आता है। देन ए सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंथ आउट्स एंड बियर्ड लाइक ए पार्ट जीलस ऑफ आनर सडन एंड क्विक इंक्वायर सीकिंग द बबल्स रिपुटेशन। और जो प्रेमी की भूमिका निभा लेता है तो उसके बाद वह सोल्जर की भूमिका में आता है। सोल्जर से मतलब है सैनिक या एक लड़ाके की भूमिका। यहाँ पे ऐसा नहीं कि उसे मिलिट्री में, कोई आर्मी में या फौज में कोई पद दे दिया जाता है, लेकिन वह स्वभावतः लड़का बन जाता है। फुल ऑफ स्ट्रेंग ऑथ्स, विचित्र तरह की शपथों से भरा रहता है, मतलब बहुत से शपथ जैसे सैनिक लेके अपनी अपना कर्तव्य निभाते हैं, उस तरह से जो यह अवस्था होती है इसमें कोई भी व्यक्ति एक लड़ाके की तरह होता है, और विचित्र विचित्र तरह के शपथ लिया रहता है। एंड बियर्डेड लाइक ए पार्ट, और पार्ट का मतलब तेंदुआ से, जिस तरह से तेंदुआ की दाढ़ी होती है उस तरह से इसकी दाढ़ी होती है। और जीलस इन आनर का शब्दित अर्थ देखा जाए तो सम्मान में ईर्ष्या, सम्मान में ईर्ष्या से मतलब है कि वह सम्मान के प्रति काफ़ी जागरूक होता है और चाहता है कि उसे दूसरों से तुलना में कहीं ज़्यादा सम्मान मिले। सडन एंड क्विक इंक्वायरर, और इस अवस्था में झगड़ा करने में काफ़ी तत्पर रहता है, तुरंत झगड़ा करने पे मारपीट करने पर उतर जाता है। जैसे लड़के हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, तो ये लड़का ही रहता है, हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता है। सीकिंग द बबल्स रिपुटेशन, और बबल रिपुटेशन मतलब छोटी छोटी, मतलब बबल्स मतलब बुलबुला होता है जो तुरंत ख़त्म हो जाता है। रिपुटेशन मतलब वर्चस्व, तो जो बुलबुले जैसा वर्चस्व हो उसके लिए, मतलब छोटे छोटे बातों के लिए या अहम के लिए या अपने क्षणिक वर्चस्व के लिए लड़ने के लिए तैयार रहता है। इवेन इन द कैनन्स माउथ, और इसके लिए वह तोप के मुँह में भी जाने के लिए तैयार रहता है, कैनन मीन्स माउथ। एंड देन द जस्टिस, इसके बाद जो अवस्था होती है मनुष्य की वह न्यायाधीश की होती है। अब न्यायाधीश की भूमिका में व्यक्ति आ जाता है। इन फेयर राउंड बेली विथ गुड कैप एंड लाइंड विथ आईज सेवर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट। अब इस अवस्था में इसका जो वेशभूषा होता है, जो इसका देखने में जैसा लगता है, उसके बारे में बता रहा है। इस समय इसका राउंड बेली होता है, मतलब पेट गोल गोल निकल चुका होता है, तोंद आ गई होती है, और काफ़ी मोटी तोंद होती है, मतलब उस पर लाइनिंग से एक जो चर्बी रहती है, उस चर्बी के ऊपर चर्बी चढ़ी रहती है, तो पेट पर अच्छा खासा मोटापा आ चुका होता है। विथ आई सिवरल एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और उसकी जो आँखें हैं वो काफ़ी गंभीरतापूर्ण गंभीर दिखती हैं, अब चंचलता आंखों से जा चुकी होती है, वो गंभीर दिखाई देता है। और साथ ही साथ उसकी जो दाढ़ी है वो बिल्कुल फॉर्मल होती है, बिल्कुल औपचारिक होती है, उसमें कुछ भी असामान्य नहीं लगता है, बिल्कुल सामान्य कट होता है दाढ़ी का। फुल ऑफ वाइज सॉज एंड मॉडर्न इंस्टेंट्स, सॉज का मतलब होता है कहावत। अब इस अवस्था में या इस रोल में युवती जब आता है तो उसके पास कई बुद्धिमत्तापूर्ण मुहावरे या कहावतें होती हैं, बार बार वो उसको कहता रहता है,
और नए नए उदाहरण भी पेश करता है, बताता है कि ऐसा होता है या ऐसा नहीं होता है। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और इस तरह से वो अपनी भूमिका को निभाता है। द सिक्स्थ इज शिफ्ट इन टू द लीन एंड स्लीपर पेंटालमा, जो छठवां भूमिका है जीवन का, उसमें इसकी वेशभूषा और इसका जो अपीयरेंस है, जो जिस तरह से दिखता है, उस बारे में कवि का कहना है कि जब छठवीं भूमिका में होता है तो ये झुक जाता है। लीन मतलब झुका हुआ, और स्लीपर्ड मतलब वो साधारण सी चप्पल पहने हुआ होता है, और पेंटालून का मतलब होता है ढीला ढाला पतलून। तो छठी भूमिका में यह झुका हुआ होता है, मतलब शरीर थोड़ा कमज़ोर हो चुका होता है, और साधारण सी चप्पल पहने हुआ होता है, और इसकी जो पतलून होती है वो भी काफ़ी ढीली ढाली होती है। पेंटालून मतलब ढीली ढाली पतलून या एक विशेष प्रकार का कपड़ा जो काफ़ी चुस्त दुरुस्त नहीं होता है। विथ स्पेक्टिकल ऑन नोज एंड पाउच ऑन साइड, और इसकी आंखों पे चश्मा होता है एंड पाउच ऑन साइड, और बगल में एक थैला होता है। इस अवस्था में बगल में एक थैला भी होता है। हिज यूथफुल होज वेल सेव्ड ए वर्ल्ड टू वाइड फॉर हिज स्ट्रंग सैंग एंड हिज बिग मेनी क्वेल्स। हिज यूथफुल होज वेल सेफ्ड, उसकी जो युवावस्था की बातें होती हैं वो सुरक्षित होती हैं, युवावस्था के जो कपड़े होते हैं वो भी सुरक्षित होते हैं, और इस फॉर हिज स्ट्रंग सैंग एंड हिज बिग मेनी मेनली वॉयस। ए वर्ल्ड टू वाइड फॉर हिज स्ट्रंग सैंग, और तब तक जब ये छठी अवस्था में होता है, छठी भूमिका में होता है, तो ये संसार उसके लिए काफ़ी बड़ा हो जाता है। मतलब ये संसार काफ़ी, जो जवानी में युवावस्था में संसार को बहुत छोटा समझता है, यही संसार उसको बहुत बड़ा लगता है। और फॉर हिज स्ट्रंग सैंग, क्योंकि इसके जो पैर के नीचे का हिस्सा होता है, पिंडलियाँ होती हैं, वो छोटे आकार की होती हैं, सिकुड़ गए होती हैं, मतलब कमज़ोर हो चुकी होती हैं। तो जब पैर कमज़ोर हो जाते हैं तो दुनिया बड़ी लगती है। एंड हिज बिग मैनली वॉयस टर्निंग अगेन टूवर्ड्स चाइल्डिश ट्रेबल पाइप्स एंड व्हिसल्स इन हिज साउंड, और उसका जो आदमी जैसा आवाज़ हुआ करता था, एक बुलंद आवाज़ हुआ करती थी, वो फिर दोबारा बच्चों जैसी आवाज़ में बदलने लगती है। ट्रेबल का मतलब तो तेज ही होता है, लेकिन बच्चों की आवाज़ में जो बचपना होता है, उस तरह से तेज बचपने जैसी आवाज़ वो बोलता है, और ये आवाज़ होती है पाइप्स एंड विशेज इन ए साउंड, उसकी जो आवाज़ निकलती है वो बांसुरी और सिटी जैसी होती है, मतलब आवाज़ बिल्कुल स्पष्ट नहीं रहती है, कुछ उसमें अनावश्यक शब्द भी, कुछ अनावश्यक ध्वनियाँ भी जुड़ी होती हैं। लास्ट थिंग ऑफ ऑल दैट एंड्स इज स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, और जो अंत का समय होता है, अंत की जो भूमिका होती है, उसमें वो अपने जीवन के तमाम घटनाओं को भूल चुका होता है। मतलब उसके जीवन का जो इतिहास होता है, जो उसके जीवन में घटा होता है, जिसको वो कभी बड़े गर्व से याद रखता है, वो सब वो भूल चुका होता है, लगभग भुलक्कड़ सा हो गया होता है। इट्स सेकेंड चाइल्डनेस एंड मेयर ओब्लिवियन सेंस दिस सेंस आई सेंस टेस्ट सेंस एवरीथिंग, और यह जो दूसरा बाल्यावस्था होती है, जो जीवन की आखिरी अवस्था होती है, वो भी बाल्यावस्था जैसी ही होती है, और इसमें भूलने की प्रवृत्ति काफ़ी आ चुकी होती है। इसमें जो व्यक्ति होता है वो भुलक्कड़ हो जाता है, और सेंस मतलब कमी होता है, तो दांतों की कमी से मतलब उसके अधिकांश दांत टूट चुके होते हैं, कुछ एक बचे रहते हैं। सेंस आई का मतलब है कि उसकी आंखों की दृष्टि कमज़ोर हो चुकी होती है। सेंस टेस्ट का मतलब है कि उसकी जो स्वादेंद्रिय होती है वह भी कमज़ोर पड़ जाती है, उसे स्वाद का ठीक से एहसास नहीं होता। सेंस एवरीथिंग, और जीवन में उसमें जो एवरीथिंग से मतलब है कि उसके शरीर से जुड़ी हुई जो सेंस
सेंस हैं, इंद्रियां हैं, इसकी सारी इंद्रियां कमज़ोर पड़ चुकी होती हैं,